दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके एक डाउट सेशन को लेके। तो मेरी बुक जिन स्टूडेंट ने डाउनलोड की है और उनसे मैंने पर्सनली कांटेक्ट किया है, तो उनका डाउट ये है कि क्या सर हम किसी दूसरे स्टेट के मॉपअप राउंड में उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं क्या। तो इसी डाउट पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा कि एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले ये डाउट क्लियर करने से पहले हम इन राउंड्स के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीसी के राउंड की बात करते हैं, क्योंकि एमसीसी का ही फर्स्ट राउंड पहले कंडक्ट होगा। तो एमसीसी में फर्स्ट राउंड होगा, वो फ्री एग्जिट होता है। इसमें कोई भी स्टूडेंट अपने सीट छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी। इसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होता है, तो जिन स्टूडेंट को अपने स्टेट में सीट मिल रही है तो वो स्टेट में सीट ले सकते हैं, लेकिन स्टेट का भी ये राउंड है फर्स्ट राउंड, वो भी फ्री एग्जिट है। इसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होने के बाद एमसीसी का सेकंड राउंड होगा, तो एमसीसी के सेकंड राउंड में आप सीट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सीट के रूल इसके पहले बता दिए हैं कि कैसे कैसे आप सीट छोड़ते हैं, तो कैसे आपको सेकंड राउंड के लिए या फिर मॉपअप राउंड के लिए आप इलिजिबल होंगे, ये मैं कल के वीडियो में बता चुका हूं। अब जैसे ही ये एमसीसी का सेकंड राउंड कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद में जो इसमें वैकेंट सीट है एमसीसी के सेकंड राउंड में, वो स्टेट में चली जाती है। स्टेट में जाने के बाद जो वैकेंट सीट रही है, जो 15% ऑल इंडिया कोटा से सीटें आए हैं, वो सेकंड राउंड में ऐड हो जाती हैं। यानी कि जो एमसीसी के सेकंड राउंड से वैकेंट सीटें आई हैं, वो स्टेट के सेकंड राउंड में ऐड हो जाती हैं। उसके बाद स्टेट अपना सेकंड राउंड कंडक्ट करवाता है। इसके बाद जो एमसीसी का मॉपअप राउंड है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू इंटरनल जो दिल्ली स्टेट के कैंडिडेट हैं, इसके अलावा बीएचयू, एमयू और बीडीएस के लिए जामिया हमदर्द, इनका ये राउंड होता है मॉपअप राउंड। इसमें ये पिछली बार की तरह देखा जाए तो मॉपअप राउंड 1 हुआ था और मॉपअप राउंड 2 हुआ था। ये मॉपअप राउंड 1 और मॉपअप राउंड 2 दो बार हुआ था। इसके बाद इनमें जो सीटें वैकेंट थी, वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर की गई थी। तो ये तो प्रोसीजर है एमसीसी का। इसके बाद हम आते हैं सेकंड राउंड में स्टेट में। तो स्टेट में सेकंड राउंड तकरीबन स्टेट में ऑनलाइन होता है, किसी किसी स्टेट में ऑफलाइन होता है, तो ज्यादातर स्टेट में ये ऑनलाइन ही होता है। तो इसमें ऑल इंडिया से जो सीटें आई हैं, वो सीटें भी इसमें ऐड होके ये राउंड कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेट में इस सेकंड राउंड में जितने सीटें वैकेंट रहती हैं, उनके लिए फिर स्टेट मॉपअप कंडक्ट करवाता है। इसके लिए वो मॉपअप 1 भी करवा सकता, 2 भी करवा सकता है, यानी कोई कोई स्टेट 2 मॉपअप भी करवा सकते हैं। अब हमें यहां डाउट ये रहता है कि क्या इस मॉपअप में अदर स्टेट या सभी स्टेट के कैंडिडेट इलिजिबल हैं। तो मैं यहां आपको बोलूंगा कि यहां पर डोमिसाइल स्टूडेंट ही इलिजिबल हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो ओपन स्टेट यानी दूसरे स्टेटों को जो स्टेट प्राइवेट कॉलेज में परमिशन देते हैं, उनकी कंडीशन तो अलग है। वो तो ओपन स्टेट हैं, तो वो सिर्फ प्राइवेट के लिए ही इजाजत देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट को गवर्नमेंट सीट के लिए अलाउ नहीं करता है मॉपअप राउंड में भी। ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि मैं बहुत से स्टेट में मॉपअप राउंड में प्रेजेंट रहता हूं, और जो मेरे नियरेस्ट स्टेट हैं उनमें तो मैं मॉपअप राउंड में जाता ही जाता हूं। तो मैंने ये ऑन ग्राउंड देखा है कि उस स्टेट के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट ही उस गवर्नमेंट सीट के लिए इलिजिबल होते हैं मॉपअप राउंड में। इसके बाद में जो मॉपअप राउंड में सीटें खाली हो जाती हैं,
वो चली जाती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड गवर्नमेंट सीट के लिए होता है, इसमें नए के बराबर सीटें होती हैं, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक सीटें वैकेंट रहती ही नहीं है। अगर रहेंगी एक दो तो किसी किसी स्टेट में इंस्टीट्यूशनल राउंड यानी इंस्टीट्यूट को दे दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जो स्ट्रे वैकेंसी का राउंड भी काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा ही कंडक्ट करवाते हैं, जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, इस प्रकार के जो स्टेट हैं वो गवर्नमेंट सीट के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी अपना काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा ही कंडक्ट करवा के सीट फिल करते हैं, वो इंस्टीट्यूट को वैकेंट सीट नहीं देते हैं। तो ये कंडीशन थी मोपअप राउंड में दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट सीट के लिए कैंडिडेट इलिजिबल नहीं होते हैं, ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है। तो मैंने साफ शब्दों में आपको बता दिया है। अगर कोई स्टूडेंट इसमें यह जानना चाहता है कि उनको कम मार्क्स पर क्या दूसरे स्टेट में सीटें मिल सकती है गवर्नमेंट सीट, तो इसके लिए मैं क्लियरली नो कहूंगा, दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट सीट आप नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी छोटी सी। कल के डाउट सेशन में हम विभिन्न प्रकार के यानी कि जो अलग अलग डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में और कुछ ज्यादा जानकारी लेनी है, कट ऑफ के बारे में लेनी है, कौन सी कॉलेज में कितने सीटें हैं, किसकी कितनी ट्यूशन फीस है, तो ये कॉलेज वाइज मैंने बुक में सब कुछ बता रखा है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें काउंसलिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर हाजिर होंगे कल एक नए डाउट सेशन में। तब तक के लिए मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।